हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज जिम रूम से चालू इसलिए कर रहे हैं हम लोग अपने ब्लॉग को, क्योंकि मेरा मित्र मेरा साथी का ओनर आया है, मेरा मित्र। और गाइस हम लोग आज चैनल लिए हैं हमारे मित्र का, और पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, तो बहुत जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बहुत धमाकेदार वीडियो आएगा। भैया का चैनल का नाम ये रहा, मेरा मित्र मेरा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा मित्र मेरा साथ। मैं रहने वाला हूँ बरार का कोटा, यहाँ से 11 किलोमीटर है, और वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ यूट्यूब के आज ये करवाने के लिए, मोनेटाइज करवाने के लिए। बढ़िया से मोनेटाइज बकायदा हो गया है, और दीपक भाई ने हमारा मोनेटाइज कर दिया है, और इसका बधाई हम आपको आने वाले समय में 2-4 दिन 8 दिन में ज़रूर देंगे। तो हमारे चैनल को, दीपक भाई और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, मगर करना आपको ज़रूरी भी है। तो गाइस थोड़ा सा सर जी का काम भी करने गया था, अपलोड करने गया था वीडियो, और माटी मजन में ये सॉन्ग आ चुका है कवि गया प्रसाद ब्लॉग में, बहुत सुंदर है। उस एल्बम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोग, दौड़ भाग किए हैं, है ना, और बहुत मेहनत के बाद जाके वो एल्बम आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है, और बहुत सुंदर है। आप लोग जाना ज़रूर देखना गाइस, साथ ही साथ इसका अपडेट देते रहूँगा। अगर चैनल पर ना होना तो सब्सक्राइब ज़रूर चाहिए मेरे को, ठीक है। और मेरा दोस्त आया था बिलगहना से, मेरा मित्र मेरा साथी करके, उसका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए चला गया है, और उसका पूरा सेटिंग वेटिंग मैं ही किया था, है ना। तो क्या था कि जैसे बड़े यूट्यूबर हैं तो छोटे यूट्यूबर का मदद करना ज़रूरी है गाइस। पूरा गांव भर में, मतलब पूरा जितना गांव भर में पूरा अकेला यूट्यूबर था, उसका चैनल इतना जल्दी ग्रो किया कि मतलब 1-1.5 लाख व्यू आराम से आ जाते हैं, है ना। तो बहुत जल्दी वॉच टाइम पूरा हुआ, और बहुत जल्दी सब्सक्राइब हुआ। इसके साथ साथ उसका चैनल मोनेटाइजेशन भी के लिए भी आज भेज दिए हैं, तो पार्टनर प्रोग्राम के साथ जुड़ चुका है। आगे गाइस बताते जाएंगे क्या अपडेट है, है ना, और देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है। और आज ना गाइस भैंसा झड़ जाना था, क्योंकि कल, हाँ तो गाइस एक चीज़ और बताना चाहता था मैं कि गाइस कल भैंसा झड़ डैम में शूटिंग है। तो जो सब्सक्राइबर अगर भैंसा झड़ से हैं तो गाइस भैंसा झड़ के डैम में ज़रूर आना मिलने के लिए, है ना, खासम खास बता रहा हूँ। और गाइस शूटिंग है वहाँ, यही बताना था, बाकी धीरे धीरे बताते जाऊँगा क्या है कैसा है करके। और महल वाला वीडियो, हाँ गाइस महल वाला वीडियो आया है, उसको ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, है ना, बहुत खूबसूरत है वो, तो उसको एक बार ज़रूर देखना, बहुत सुंदर है, और बहुत ज़्यादा मेहनत किया करके बनाया हूँ। और उस महल का ना गाइस मैं पूरा कंप्लीटेड वीडियो एक दिन जाऊँगा और पूरा कंप्लीटेड वीडियो बनाऊँगा, तब आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। पूरी स्टैंड लेके जाऊंगा, माइक लेके जाऊंगा, और एक गाइड भी रखूंगा साथ में, तो पूरा कंप्लीटेड बताऊंगा आप उस सब के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गाइस देखो कई बार क्या होता है कि घूमने के लिए जाते हैं हम लोग, और उसके बारे में हमको पता नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं गूगल में इस सब चीज़ में सर्च मारते हैं। लेकिन ये हमको करना क्या है, यूट्यूब में ज़्यादा देखो तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि क्या है कैसा है करके। तो आप सब देखना, ठीक है, पूरा कंप्लीटेड वीडियो बनाऊँगा, जाऊंगा एक दिन अपने दोस्त को साथ लेकर, और सामने से वो पकड़ के बनाएगा जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा वहाँ वहाँ का, तो वहाँ का कंप्लीटेड वीडियो भी बनाऊंगा, देख लेना। बाकी गाइस आज भैंसा झड़ जाना था पोस्टर भी लगाने के लिए, छोटा छोटा पंप लगाने के लिए, और साथ साथ उस जगह को देखने के लिए। तो गाइस देखते हैं, सर आते हैं तो जाऊँगा, ये तो नहीं जा पाऊँगा, फिर बताऊँगा गाइस आगे क्या होता है। और गाइस हाँ एक चीज़ और गाइस कॉमेंट करो पेड़ लगाने के लिए, है ना, लास्ट भी आ रहा है, लास्ट टाइम में गाइस जो मुझे कमेंट करेगा, जैसे कि लास्ट में अगर मेरे को 10 या फिर 5 के अंदर कमेंट आ गया ना, तो उन कमेंट करने वाले को स्पेशली मैं कुछ भी पूछेंगे ना तो रिप्लाई करूँगा उसको, कुछ भी चीज़, तो जैसे कि मेरा पर्सनली चीज़ छोड़ के बाकी कुछ भी चीज़ पूछेंगे तो मैं उनको बताऊँगा कि क्या है कैसा है, मैं कहाँ पास
हाँ ये एड्रेस बता सकता हूँ कि कहाँ पर है ना, बाकी उसके सिवा बाकी मेरे पर्सनल चीज़ नहीं बताऊँगा। तो गाइस 5 कमेंट करो या 10 कमेंट करो, उनमें से मैं कुछ लोगों कहूँगा है ना, उनका आईडी मैं मेंशन कर दूँगा कि ये लोग पूछ सकते हैं। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ अपना टाइम आने का इंतज़ार करें। तो देखते हैं गाइस कि जा पाता हूँ नहीं, फिर बताता हूँ। तो गाइस सर जी नहीं आए हैं है ना, और मौसी आई हैं, मामा घर जा रहे हैं, भाई बहनी के माया दुलार। और प्रतिज्ञा हटना का प्रीति कहाँ है, झिनाऊ कहाँ है लाला। तो गाइस एक और लाला है, वो गया भाई के साथ। तो गाइस बहुत अभी घर में मेहमान वहमान आए हैं, इसलिए थोड़ा कम ब्लॉग बना पाया हूँ और दूसरे जगह चले गया था, आज भैंसाजाट डैम नहीं गया हूँ। बाकी गाइस कल का शूटिंग है, कल का शूटिंग है, उसका पूरा वीडियो डालूंगा, मज़ा आएगा और दिखाऊंगा सबका। तो मौसी घर गया था गाइस, मैं याद है तो पिछले ब्लॉग में देख लेना, खुनसरा वाले वीडियो में देख लेना। हाँ ये रही प्रीति, प्रीति और मैं गए थे, तो मैं एक दिन रुका था। तो मौसा मस्त विलेज है, और अगली बार फिर जाऊंगा ना तो पूरा विलेज घुमाऊंगा, सिर्फ एक दिन रुका ना तो आधा बस घुमा पाया, बाकी गाइस 2-3 दिन के लिए जाऊंगा तो पूरा विलेज घुमाऊंगा, बहुत खूबसूरत है। तो गाइस नदी जो है वो भी दिखाया था आपको, बाकी और पूरा विलेज घुमाऊँगा जब 2-3 दिन के लिए जाऊँगा तब। तो गाइस फिर पूरा व्लॉग बनाऊंगा। तो आई होप गाइस आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।